तो कैसे हैं आप? हेलो गाइस, माय सेल्फ अभिनव चौधरी एंड वी आर वाचिंग केके किशोर बॉस फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल। गाइस आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइस, सो गाइस इस वीडियो को आप लाइक कर दे और शेयर कर दे और गाइस हमारे चैनल गाइस सब्सक्राइब कर दे। मैं गाइस आज आपको दोबारा पिक्सआर्ट एडिटिंग ट्यूटोरियल देने वाला हूं। आप इस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट भी करना। गाइस जैसे गाइस आप देख पा रहे हैं, ये मेरा एक नॉर्मल फोटो है। इस फोटो को गाइस मैं एक धांसू लुक देने वाला हूं। उसके लिए गाइस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा ताकि आप भी अपने इस टाइप के नॉर्मल फोटो को धांसू लुक दे पाए। सो गाइस वीडियो को पूरा देखना। सो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूं कि इस नॉर्मल फोटो को मैंने किस टाइप का लुक दिया। सो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने उस नॉर्मल फोटो को इस टाइप का लुक दिया है। अगर आप भी अपने नॉर्मल फोटो को इस टाइप का लुक देना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए गाइस। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस लेट्स स्टार्ट आवर टुडे वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? सब्सक्राइब करें टेके किशोर बॉस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस और पिक्सआर्ट एडिटिंग ट्यूटोरियल्स के सभी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। सो गाइस चलिए मैं आपको दिखा दूं। गाइस ये बैकग्राउंड मैंने चुना है पिक्सआर्ट में, मैंने इसे ओपन कर लिया। गाइस टूल्स पर चलते हैं और गाइस टिल्ट शिफ्ट ऑप्शन पर चूज लेते हैं। टिल्ट शिफ्ट ऑप्शन चूज करने के बाद गाइस आपको नीचे की ओर ड्रैग कर देना है ताकि आपका बैकग्राउंड का ऊपर वाला पार्ट ब्लर हो जाए। गाइस फिर डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको जाना होगा ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आपको अपना फोटो चूज करना होगा। गाइस मैंने पहले से अपने फोटो को कट और उसे एडजस्ट करके रखा है, उसके ब्राइटनेस ये सब को। सो गाइस आप भी उसे पहले ही एडजस्ट ब्राइटनेस कर ले उस फोटो को ताकि मैं उसे डायरेक्ट यहाँ पर डाल पाऊँ, क्योंकि गाइस नहीं तो फिर ज़्यादा वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाती है और फिर गाइस आपको दिक्कत होता, ज़्यादा देर देखना पड़ता। सो गाइस इसलिए गाइस आप देख पा रहे हैं मैंने इस तरह से सेलेक्ट कर दिया है। और गाइस जब मैं इसकी सैचुरेशन बढ़ा रहा हूँ, शैडोज़ में इसे थोड़ा सा कर देते हैं, घटा देते हैं। गाइस फोटो की लोकेशन देख लेते हैं कि पूरी सेट हो जाए, फिर गाइस डन पे क्लिक कर देते हैं। डन पे क्लिक करने के बाद चलिए ऐड फोटो पे क्लिक करें। गाइस हम एक सनफ्लेयर PNG को चूज़ कर लेते हैं। फिर मैंने डाउनलोड किया गूगल से सनफ्लेयर को चूज करने के बाद गाइस आपको जाना होगा इसके टेम्परेचर ऑप्शन में और इसमें आपको निगेटिव कर देना होगा ताकि इसकी लाइट वाइट हो जाए बैकग्राउंड की ओर, और इसे आपको कैरेक्टर के मॉडल के बगल में लगा देना होगा। इसे मॉडल के बगल लगाने के बाद गाइस आपको इरेजर टूल पर क्लिक करना होगा और फिर इस सन फ्लेयर के कुछ एक्स्ट्रा बैकग्राउंड्स दिख रहे होंगे गाइस, आपको उसे इरेज कर देना होगा। और उसके बाद गाइस फिर से आपको डन पर क्लिक कर देना। सो गाइस चलिए दोबारा से गैलरी में चलते हैं ऐड फोटो पर क्लिक करके और गाइस कुछ और चीज़ ऐड कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने टैटूज़ ऐड किए हैं, टेक्स्ट ऐड किए हैं। सो गाइस सभी को हम ब्लेंड ऑप्शन पे चूज़ करके, स्क्रीन ऑप्शन चूज़ करके बैठा देते हैं अपने इस फोटो पे जो चीज़ इस पर अच्छा लगेगा। सो गाइस देख सकते हैं ये इस पर अच्छा लग रहा है किंग, ये टाइटल इस फोटो पे अच्छा लग रहा है। सो गाइस हम इस टाइटल को इस फोटो पे बैठा देते हैं। और गाइस मैं आपसे दोबारा बोलना चाहता हूँ, गाइस अगर अपने चैनल पर नए हैं गाइस जो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे। गाइस वीडियो को लाइक करना ना भूले, क्योंकि गाइस वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें लगेगा कि आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगी तो फिर गाइस इससे हमें और इंस्पिरेशन मिलेगी। गाइस हम और इस टाइप की वीडियोज़ आपके लिए लाएंगे। तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दे और शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी एडिटिंग कर पाए अपनी फोटो को और अपने नॉर्मल फोटो को दे पाए इस टाइप का धांसू लुक। सो गाइस हमारे इस वीडियो को पूरा देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सो गाइस चलिए इस टैटू को बैठा देते हैं अपन बॉडी पर और ब्लेंड ऑप्शन पर चल के अपन मल्टीप्लाई ऑप्शन पर चूज़ कर देते हैं। मल्टीप्लाई ऑप्शन पर चूज़ करने के बाद अपन को कुछ नहीं करना है, अपन को बस डन पर क्लिक कर देना है। इसके ब्राइटनेस कुछ एडजस्ट कर लेते हैं हम ताकि इसकी जो कलर से वो डार्क हो जाए। गाइस फिर डन पे क्लिक कर दे और गाइस चले चलते हैं ऐड फोटो पर दोबारा से क्लिक करते हैं और दूसरा टैटू सेलेक्ट करते हैं जो कि उस टाइम डिसेलेक्ट कर लिया था क्योंकि ये रहा। सो गाइस चले अब इसे बैठा देते हैं अपने मॉडल के हैंड्स पे जहाँ पे कि बढ़िया से फिट हो जाए। इसकी साइड एडजस्ट कर लेते हैं गाइस। सो गाइस ये बढ़िया से सेट हो गया गाइस, अब इरेजर टूल पर सेलेक्ट करते हैं। चलिए गाइस इरेजर टूल पर सेलेक्ट करते हैं अब। और गाइस इरेजर टूल करने के बाद गाइस आप नोटिस करिएगा आपको एक और चीज़ ऑप्शन सर्च करना होगा, उसके हार्डनेस को आप फुल कर दे इरेजर टूल के हार्डनेस को, तब फिर गाइस आप इसके अनवांटेड पार्ट्स को इरेज कर दीजिए जो कि इसके बैकग्राउंड में दिख रहा है। सो गाइस आप देख पा रहे हैं ये पूरी तरह से सेट हो चुका है हमारे मॉडल के हैंड पे और इससे अब हमारे मॉडल की लुक और बढ़ गई है। तो मैं आपसे दोबारा बोलना चाहता हूँ गाइस अगर आपके चैनल पर नए हैं तो जो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे और वीडियो को लाइक शेयर सब भी कर दे अपने दोस्तों के साथ ताकि अगर उन्हें भी एडिटिंग करना हो अपने नॉर्मल फोटो को तो वो भी एडिट करके ऐसा धांसू लुक दे पाए। तो गाइस चलिए फाइनल और आखिरी स्टेप पर सेलेक्ट करते हैं जो कि इफेक्ट्स में जाना है हमें, फिर आर्टिस्टिक में, फिर फैटल वन हमें चूज़ करना है। फैटल वन चूज़ करने के बाद गाइस हमें मल्टीप्लाई ऑप्शन पर चूज़ करना है और उसे उसकी
फैक्टर वन ऑप्शन गाइज चूज़ हो गया है। गाइज अब चलिए मल्टीप्लाई ऑप्शन पे चलते हैं। और गाइज इसकी फेड को थोड़ी सी और घटा देते हैं और इरेजर टूल सेलेक्ट करके गाइज अब इस इफेक्ट को हम हार्डनेस को बढ़ा के अपने मॉडल के हैंड और फेस से हटा देते हैं। इस इफेक्ट को सिर्फ हम रखते हैं अपने मॉडल के कपड़े पे और उसके बैकग्राउंड में। चाहे तो आप इस इफेक्ट को उसके बाल पे भी रहने दे सकते हैं, इससे उसकी बाल डार्क हो जाएंगे, उनके हेयर्स के कलर डार्क दिखेंगे। तो गाइज आप देख पा रहे हैं इफेक्ट को हटाने के बाद अच्छा दिख रहा है ये फोटो। सो गाइज जल्दी से जल्दी इस इफेक्ट को अपने मॉडल के हैंड और फेस पे से हटा देते हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में। गाइज स्टेप्स को पूरा फॉलो करें और वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आप भी अच्छे से अपने नॉर्मल फोटो को दे पाए धांसू लुक, ताकि आपके आपको भी अपने नॉर्मल फोटो को धांसू लुक देने में आसानी हो, आप अच्छे से समझ पाए कि आपको क्या क्या करना है, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। सो गाइज हमने तो हैंड से हटा दिया है, गाइज हमें अब अपने मॉडल के फेस पे से इस इफेक्ट को हटाना है। सो गाइज देख रहे हैं फेस पे से भी मैंने हटा दिया है। सो गाइज स्टेप्स पूरा फॉलो कीजिएगा। गाइज मैं आपसे थोड़ा बोल दूँ, अगर आप चैनल पर नए गाइज तो जरूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अपने नॉर्मल फोटो को दे पाए इस टाइप का धांसू लुक। और गाइज वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा या एडिटिंग अच्छी लगी, आपको इसमें कौन सी अच्छी इफेक्ट लगा, आपको इसमें से कौन सा इफेक्ट सबसे अच्छा लगा और आगे आपको कौन से अच्छे एडिटिंग देख के बारे में जानना है तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। सो गाइस वीडियो पूरा देखिएगा। सो गाइस देख सकते हैं फेस पे सहराने के बाद गाइस फेस ही हुआ दोबारा से ग्लो करने लगा है, इसके बैकग्राउंड्स पूरे डार्क हो गए हैं जो कि अच्छे लग रहे हैं। इसके हेयर पे हम दोबारा से उस इफेक्ट को ड्रॉ कर देते हैं। सो गाइस आगे स्टेप्स फॉलो करते रहे गाइस। सो गाइस चलिए हमारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं गाइस, अब डन पे क्लिक कर देते हैं और गाइस इस फोटो को सेव कर देते हैं क्योंकि गाइस हमारी एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो गाइस कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और वीडियो अच्छी लगे तो गाइस जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और गाइस हमारे चैनल गाइस सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे तरफ से हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे सबसे पहले। और चलिए गाइस इस फोटो को अब सेव कर देते हैं। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं गाइस अपने अगले वीडियो में। Hi, I'm Abhinav Chaudhary. And I'm Abhinav Chaudhary. We are TKKC Bros. I hope you liked our today video. So subscribe our YouTube channel right now. And turn on the notifications so you won't miss any single video. And we will meet you in our another video. So thanks for watching. Jai Hind. Vande Mataram.